हमारे साथ अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। माफ़ करिए, ये व्हाट्सएप क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पर आया है। अमित जी का सवाल है, एनटीपीसी पर इनकी खरीदारी है। अजीत जी, यहाँ पर जरा एनटीपीसी देखिए, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 398 के भाव से। स्टॉक उसकी ही थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चार्ट पे देखे तो अब जो फ्राइडे को पूरी बिकवाली थोड़ी थमती हुई नज़र आई थी, ये इसकी बिकवाली 100 DMA पर थमती हुई नज़र आई थी। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आ चुका है 2 सेशंस में। आज हम काफ़ी सारे स्टॉक्स देख रहे हैं जो 100 और 200 DMA पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या इस धनतेरस स्टॉक खरीदने के कोई इंडिकेशंस दिख रहे हैं इस तरह से? देखिए, एनटीपीसी में तो मेरी राय ये होगी कि जो इनका बाइंग प्राइस है वही इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑफकोर्स लूज करना कोई लॉजिकल नहीं होगा, खासतौर से प्रॉफिटेबल पोजीशन में। यहाँ पे आज के सेशन में भी इसमें अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी का, रिकवरी को स्ट्रेंथन करने का। करीब 414 के हाई बने हैं, 406 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग अगर ये 412 के ऊपर कर पाता है तो डेफिनेटली रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब 420 से 425 तक। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके बाइंग प्राइस 398 को ही स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करते हुए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे अंश की, यस, अगर आप स्ट्रक्चरली बात करेंगे कि बहुत सारे स्टॉक आपके मेजर एवरेजेस के पास, चाहे वो 100 EMA 200 EMA के पास आ चुके हैं या ट्रेड कर रहे हैं, इनमें देखिए सबसे इजी जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का पोटेंशियल परफॉर्मर्स का, जो कम गिरे हैं, जैसे कि IT एज अ सेक्टर जहां पे गिरावट कम हुई है, फार्मा एज अ सेक्टर जहां पे गिरावट कम हुई है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि जो स्टॉक ऑलरेडी अपने मेजर एवरेजेस के पास आ चुके हैं, कि निफ्टी अभी तक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास नहीं आया है, तो इट मीन्स वो अपने मेजर एवरेजेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आपको जो लॉन्ग साइड पे अगर आप पोजीशन देख रहे हैं, तो जो सेक्टर्स या थीम स्ट्रांगली होल्ड कर रही हैं, चाहे IT हो फार्मा हो, उन्हीं पे फोकस करना चाहिए लार्जली। कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स बेस्ड ऑन अर्निंग अनाउंसमेंट्स, वहां पे भी आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है, जैसे कि बैंकिंग में, तो वहां पे भी आप फोकस कर सकते हैं। लार्जली आउट परफॉर्मेंस पे फोकस करिए इंस्टेड ऑफ जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजकुमार। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे। मॉर्निंग मैडम, मैं ये कह रहा था, मेरे पास NHPC के और क्या नाम वारी के 9 शेयर हैं और NHPC के 500 शेयर हैं। मैडम ये NHPC को लिए काफी समय हो गया, ये कहाँ तक जाएगा मैडम, और वारी एनर्जी की क्या पोजीशन है? ओके, वारी एनर्जी पर हम शायद राय नहीं दे पाएंगे, अभी 2 दिन पहले लिस्ट हुआ है तो चार्ट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन NHPC पर फोकस करेंगे। 500 शेयर है आपके पास, जो आपने 96 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 78 के आसपास है, तो थोड़ी सी गिरावट तो यहाँ पर दिखी है आपके परचेज प्राइस से। क्या राय रहेगी NHPC पर? देखिए आशीषा, यहाँ पर जैसे कि PSU सेगमेंट ओवरऑल ही यहाँ पे आप करेक्टिव ट्रेंड देख रहे हैं, ऑलमोस्ट करीब 40-45% ऑन एन एवरेज करेक्ट किया है इन्होंने अपने रिकॉर्ड हाई से। NHPC में बेसिकली प्रॉब्लम एक और है कि कुछ एक काउंटर्स में तो थोड़ा सा बाउंस का अटेम्प्ट हुआ है, उस तरीके का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है NHPC में, तो ये एक थोड़ा सा चिंता वाला विषय है। कंसिडरिंग कि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अब ऑलमोस्ट काफी बड़े नाम डिक्लेयर भी कर चुके हैं, और NHPC के नंबर्स बेसिकली अब उनको देखने होंगे कि वो किस तरीके से पैन आउट होते हैं। अगर नंबर्स थोड़े ठीक ठाक आते हैं और उसमें कुछ रिस्पाइट दिखता है, जैसे कि स्टॉक 82 के लेवल 83 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तब शायद एक रिकवरी की इंडिकेशन होंगी करीब 88-90 तक के जोन पे। बट उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दिक्कत होगी स्टॉक को सस्टेन करने में, और वहीं पे नीचे पे 72-72 का जोन है, वो मेजर सपोर्ट है। तो अभी के हिसाब से तो मैं कहूंगा नहीं कि एग्जिट करने के लिए, 72 तक के लिए आप प्रिपेयर रहिए, कि अगर इन केस अर्निंग में कोई डिसअपॉइंटमेंट आती है शायद वहां तक ये स्टॉक रिट्रेस करे, वहां एक मेजर सपोर्ट है, वहां थोड़ा कंसोलिडेशन होके रिकवरी के चांसेस बनेंगे, जहां पे कि पहला रेजिस्टेंस होगा 83 का, उसके बाद करीब 88-90। चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, ये मैम SJVN पर जानना था, मेरे पास 146 का खरीद भाव का है, तो कई टाइम से ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें आप इसका? बिल्कुल, 108 108 के आसपास स्टॉक अभी है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 1 साल तक। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अजित, क्या राय रहेगी SJVN पर? 146 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने स्टॉक खरीदा है और 100 शेयर है उनके पास। बिल्कुल, देखिए आशीषा, मैं बार बार कोशिश करता हूँ ये शेयर करने का दर्शकों के साथ, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी,
कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिए कोई पोजीशन ली है, एक 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का एक आप टारगेट अगर उसको देख रहे हैं, तो उसका हाफ बेसिकली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अदरवाइज इस तरीके की सिचुएशंस आती रहेंगी आने वाले टाइम में भी, बाजार एक साइड नहीं चलता है। तो देखिए SVGN काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, 22 रुपए से 165 का मैं मूव देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक वर्टिकल मूव आया था। तो इस तरीके के मूव के बाद एक कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट टेकिंग होना वो नॉर्मल है, और वो एक नॉर्मल करेक्शन कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। उसके हिसाब से आशीष, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक बार 95-90 के जोन को भी ये टेस्ट कर दे। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का था, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, पोजीशन को रिड्यूस कर दीजिए यहाँ पे। जब तक कि 130 के ऊपर नहीं आता है तब तक उसमें एंटर ना करें, या फिर एक बार 90 के पास नहीं आता तब तक एंटर ना करें। तो इधर साइड आपको वेट करना चाहिए दोबारा से इसमें एंटर करने के लिए। चलिए, सवालों का सिलसिला तो यहाँ पर जारी है, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि दिवाली पर ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ कहाँ बुलिश हैं और आखिर किन शेयरों में इस दिवाली पर निवेश करने से अगली दिवाली तक आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दिवाली पर ब्रोकरेज की स्पेशल पिक्स बताने के लिए शरद दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शरद, दिवाली से दिवाली तक की ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिकमेंडेशन है, क्या सूची है आपके पास? जी बिल्कुल, हमने जो है 3 ब्रोकिंग हाउसेस के जो है रिकमेंडेशंस लिए हैं, दिवाली पिक्स जिसे कहते हैं। सबसे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ पे बात करेंगे, कहाँ पे जो है ये ब्रोकिंग हाउस बुलिश है, और जो स्टॉक पिक्स आए हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। इंडियन होटल्स यहाँ पे 800 का लक्ष्य दिया है, वही फार्मा स्पेस से लुपिन, जहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं Q1 Q2 में, यहाँ पे भी देखें तो 600 रुपये का लक्ष्य दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर बैंकिंग स्पेस से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इनकी पिक है, हाल ही में इनके रिजल्ट्स भी आए थे जहाँ पे 800 रुपये का लक्ष्य दिया है। और जो ग्रेविटा इंडिया है, रियल इस्टेट जो आपकी आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग वाली कंपनी है, उसमें 3,000 रुपये का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं 38% का रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीने में देखने मिल सकता है। दूसरा जो आप ब्रोकिंग हाउस रहेगा वो फोकस में रहेगा कोटक सिक्योरिटीज़ का। यहाँ पे इनकी पिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लार्ज कैप स्पेस से एक्सिस बैंक आता है, लक्ष्य 1500 रुपये का है। जोमैटो न्यू एज टेक कंपनी 315 रुपये का लक्ष्य है। और वही बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस जो हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, यहाँ पर लगभग 550 रुपये का टारगेट दिया है। इन सारी कंपनीज़ जो अभी तक आए हैं दोनों ब्रोकिंग हाउसेज से, सबके जो रेंज है एवरेज रेंज 20 से लेकर 30% का अगले दिवाली तक का रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस है। अब बात करते हैं निर्मल बंग के पिक्स के, तो यहाँ पे जो है उनके जो बुलिश नज़रिया वाले स्टॉक्स है उनमें LTTS आता है, लक्ष्य लगभग 6,200 रुपये का है। और REC की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन के बाद जो है लक्ष्य 776 रुपीस का आ रहा है, यानी कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है। इसके अलावा केमिकल स्पेस से स्मॉल कैप कंपनी है RKN केमिकल्स, यहाँ पे लक्ष्य 823 रुपये का है। और वही इसके अलावा बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल्स एक और केमिकल कंपनी है, यहाँ पे 483 रुपीस का टारगेट दिया है। तो ये ब्रोकिंग हाउस जो है केमिकल नेम्स भी पिकआउट किए हैं जहाँ पे 20 से लेकर 28% तक का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है। तो ये 3 अहम ब्रोकरेजेस हैं और इनके दिवाली के पिक्स हैं। तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए, दिवाली से दिवाली तक कहाँ है कमाई के मौके, ब्रोकरेज हाउसेस के तहत जानकारी के लिए।